हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है वाराणसी मैसूरू एक्सप्रेस। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है वाराणसी उत्तर प्रदेश से मैसूर तक चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। इसे वाराणसी मैसूरू एक्सप्रेस भी कहा जाता है। ये जो ट्रेन है उत्तर प्रदेश के वाराणसी बनारस से मैसूर कर्नाटका तक चलती है और ये बाई वीकली ट्रेन है। हफ्ते में दो दिन चलती है। ये हर बृहस्पतिवार और शनिवार को वाराणसी जंक्शन से रवाना होती है मैसूर जंक्शन के लिए और ये 53 घंटे 40 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। इस ट्रेन का नंबर है 16230 और इसके तकरीबन 35 स्टेशन हैं और 2708 किलोमीटर की दूरी जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है लगभग 50 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें वाराणसी मैसूरू एक्सप्रेस के ट्रेन टिकट किराए के बारे में तो उसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो वाराणसी जंक्शन से मैसूर तक का बताऊंगा, बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लें। सेकंड एसी का जो किराया है वो है 3305 रुपये, थर्ड एसी का जो किराया है वो है 2215 रुपये, स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 835 रुपये और जनरल अनरिजर्व डिब्बों का जो किराया है वो है 485 रुपये के करीब। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये वाराणसी से मैसूर तक का बताया है, बाकी आप अपडेटेड किराया जो है सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पे या टिकट काउंटर पे जाके भी कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वाराणसी से मैसूर तक चलने वाली वाराणसी मैसूर एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों, ये जो ट्रेन है वाराणसी जंक्शन से हफ्ते में दो दिन चलती है, हर बृहस्पतिवार और शनिवार को, यानी कि थर्सडे और सैटरडे को रात को 9:05 पर ये 9 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 35 स्टेशन हैं मैसूर जंक्शन तक। उसके बाद ये ट्रेन जो है मिर्ज़ापुर में पहुंचती है रात के 10:43 पर और 10:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है इलाहाबाद शिवकी जंक्शन में पहुंचती है रात के 12:30 पर और 12:32 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद वाराणसी मैसूरू एक्सप्रेस जो है वो सतना जंक्शन मध्य प्रदेश में पहुंचती है 3:10 पर और 3:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मेहर स्टेशन में पहुँचती है 3:43 पर सुबह और 3:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कटनी जंक्शन में पहुंचती है। कटनी जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 4:35 पर पहुंचती है और 4:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। उसके बाद वाराणसी मैसूरू एक्सप्रेस जो है वो जबलपुर जंक्शन में पहुंचती है 6:00 और 6:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। उसके बाद ये नरसिंहपुर में पहुंचती है 7:13 पर और 7:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ तक की जो टोटल जर्नी है ये 598 किलोमीटर की कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पिपरिया स्टेशन में पहुंचती है। पिपरिया स्टेशन में इस बार 8:13 पर पहुंचती है और 8:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है इटारसी जंक्शन में पहुंचती है 9:40 पर और 9:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और 760 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है खांडवा जंक्शन में पहुंचती है 11:40 पर और 11:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भूसावल जंक्शन में पहुंचती है 3:25 पर और 3:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मनमाड़ जंक्शन में पहुंचती है शाम के 6:00 और 6:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वाराणसी मैसूर एक्सप्रेस जो है खोपर गांव स्टेशन में पहुंचती है 7:38 पर और 7:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है और 1292 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अहमदनगर स्टेशन में पहुंचती है 10:10 पर और 10:13 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दाहौंद जंक्शन में पहुंचती है 12:15 पर और 12:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 1487 किलोमीटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद वाराणसी मैसूरू एक्सप्रेस जो है वो सोलापुर स्टेशन में पहुंचती है 4:20 पर और 4:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कर्नाटका के कालाबुराकी जंक्शन में पहुंचती है 7:27 पर और 7:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है।
उसके बाद ये ट्रेन जो है वड़ी जंक्शन में पहुंचती है सुबह 8:10 पे और 8:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 1821 किलोमीटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है यादगीर स्टेशन में पहुंचती है। यादगीर स्टेशन में ये ट्रेन जो है 8:53 पे पहुंचती है और 8:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है तेलंगाना के कृष्णा स्टेशन में पहुंचती है सुबह 9:23 पे और 9:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है। उसके बाद वाराणसी मैसूरू एक्सप्रेस जो है वो रायचूर जंक्शन में पहुंचती है सुबह 9:53 पे और 9:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मंत्रालयम रोड स्टेशन में पहुंचती है सुबह 10:29 पे और 10:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अदौनी स्टेशन में पहुंचती है सुबह 10:58 पे और 11:00 वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2003 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गुंटकल जंक्शन में पहुंचती है सुबह 11:55 पे और 12:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वाराणसी मैसूर एक्सप्रेस जो है वो बिल्लारी जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 2:13 पे और 2:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है चित्रदुर्गा स्टेशन में पहुंचती है शाम के 6:28 पे और 6:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद वाराणसी मैसूर एक्सप्रेस जो है कुडूर जंक्शन में पहुंचती है रात के 8:13 पे और 8:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वाराणसी मैसूर एक्सप्रेस जो है वो अरसीकेरे जंक्शन में पहुंचती है 8:45 पे और 8:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है टुमाकुरु स्टेशन में पहुंचती है रात के 10:28 पे और 10:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और तकरीबन अपनी यात्रा जो है 2493 किलोमीटर की कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बेंगलोर के यशवंतपुर जंक्शन में पहुंचती है रात के 11:28 पे और 11:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन में पहुंचती है रात के 12:10 पे और 12:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद वाराणसी मैसूर एक्सप्रेस जो है वो केंगरी स्टेशन में पहुंचती है रात के 12:34 पे और 12:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मांड्या स्टेशन में पहुंचती है जो कि इसका सेकंड लास्ट स्टेशन है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है रात के 1:28 पे पहुंचती है और 1:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने आखिरी स्टेशन मैसूरू जंक्शन में पहुंचती है 2:45 पे रात को और अपनी 2700 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पसंदीदा ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।